पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल यूनियन अपनी मांगों को लेकर लगातार अलग अलग जगह प्रदर्शन कर रही है, लेकिन अभी तक इनकी सरकार ने मांगे नहीं मानी। इनकी मुख्य मांगों में कच्चे कर्मचारियों को रोल पर लिया जाए तथा पीएफ व ईसीएसआई काटकर बैंक के माध्यम से उन्हें वेतन दिया जाए, विभागों का निजीकरण न किया जाए, जन स्वास्थ्य विभाग में आईटीआई व मैट्रिक पास भर्ती कर्मचारियों पंप चालकों को 25,500 का वेतन दिया जाए व वर्दी भत्ता सहित डीए आदि दिया जाए। राज्य प्रधान सत्यपाल वर्मा ने बताया कि अगर सरकार ने उनकी मांगे जल्दी न मानी तो 17 नवंबर को पंचकुला में यूनियन नेताओं की एक मीटिंग सरकार के खिलाफ एक आंदोलन का आह्वान किया जाएगा। पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर्स यूनियन कैंप कार्यालय करनाल, राज्य प्रधान सत्यपाल वर्मा, हमारी राज्य कमेटी के आह्वान पर हरियाणा सरकार की कर्मचारी विरोधी नीतियों के खिलाफ ये कार्यकर्ता सम्मेलन प्रदेश भर में किए जा रहे हैं और सरकार को चेताया जा रहा है कि जो सरकार की नीति है, जो विभागों का निजीकरण किया जा रहा है, नगर निगम में जन स्वास्थ्य विभाग की जल सप्लाई को दिया जा रहा है, पैच वर्क को ठेके पे दिया जा रहा है और उस पर जनता के ऊपर जो बोझ पड़ रहा है और कर्मचारियों का शोषण किया जा रहा है, आम जितने भी कच्चे कर्मचारी लगे हुए हैं विभाग के अंदर उनको मात्र 6,000-7,000 रुपये दिए जा रहे हैं, जबकि सरकार की नोटिफिकेशन है 9,200 रुपये की। उनका पीएफ नहीं कटा जा रहा, उनकी ईएसआई नहीं कटी जा रही है और उनको बैंक से तनख्वाह नहीं दे रही, करके एक बहुत बड़ा घोटाला है जन स्वास्थ्य विभाग के अंदर। हम सरकार को बार बार चेताना चाहते हैं, 29/7 को अनिता मलिक जो स्पेशल सेक्रेटरी है देवेंद्र सिंह जी की, उनसे हमारी मीटिंग हुई और उन्हें हमें आश्वासन दिया था कि निजीकरण के खिलाफ आपका विभाग का निजीकरण नहीं किया जाएगा। जो जन स्वास्थ्य विभाग के अंदर WPOIT मैट्रिक से भर्ती किए गए थे उनका जो होल्ड किया हुआ है स्केल, उनको 25,500 का स्केल दिया जाएगा। कच्चे कर्मचारियों को पार्ट टू में डाल करके उनको न्यूनतम वेतनमान दिया जाएगा, लेकिन सरकार ने अभी एक भी मांग हमारी पूरी नहीं की। हम इस सम्मेलन के माध्यम से सरकार को चेतावनी देते हैं, अगर समय रहते हुए पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर्स यूनियन को बुला करके बातचीत से भेजी गई मांगों का समाधान नहीं किया तो दिसंबर माह में एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा। हमने 17 तारीख की मीटिंग बुलाई गई है पंचकुला के अंदर, उसमें हम सरकार के खिलाफ आंदोलन की रणनीति तय करेंगे। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।